हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू मेक 2:1 वेब टू रेशियो डिज़ाइन इन नेटग्राफिक्स। इसमें पहले हम टेक्सेल में डिज़ाइन ओपन करेंगे जो एडिट पहले से कर रखा हूँ। ठीक है, ये डिज़ाइन मैंने पहले से एडिट कर रखा हूँ। देखिए शार्पनेस, ठीक है। अब हम इसमें देखना है कलर्स कितना है इस डिज़ाइन के अंदर। कलर्स चेक करेंगे पहले, 1, 2, 3, 4 कलर है। ओके, 4 कलर में अब मैं इसमें 2 फाइनर काउंट ले लूँगा और 1 कोर्सर काउंट वेब में, इसलिए कि यहाँ पर मुझे कोर्सर काउंट लेना है और ग्राउंड और ये ब्लू कलर में फाइनर काउंट दिखाना है। तो हम इसको वार्प वेब कैसे ऐड करेंगे एडिट फाइल को, और वो सब हम देखते हैं अभी। देखिए ये 4 कलर है, कलर स्टैटिक्स। देखिए 1 नंबर हो गया ग्राउंड कलर, 2 नंबर हो गया ये ऑरेंज कलर, 3 नंबर ब्लू कलर एंड 4 नंबर आउटलाइन कलर। ओके, हम इस चारों कलर को व्यू डालेंगे तो इसमें हम 1 नंबर वेफ्ट फाइनर काउंट है ये ग्राउंड में जाएगा, 2 नंबर वेफ्ट फाइनर काउंट आउटलाइन ब्लू कलर में आ जाएगा, 3 नंबर कोर्सर काउंट, ओके ये आएगा ऑरेंज कलर में, जो आउटलाइन में आएगा ग्राउंड कलर को हम फ्लोट व्यू दे देंगे। इसमें हम टाइट व्यू करेंगे, इसको फ्लोट व्यू दे देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमें रेशियो करना है। तो रेशियो कैसे बनेगा? रेशियो 2:1 रेशियो, मतलब 2 वेप्ट ये आएगा और 2 वेप्ट ये आएगा, उसके बाद 1 वेप्ट ये आ जाएगा। ओके, मतलब 2 वेप्ट 1 2 वेप्ट 2 वेप्ट फिर 1। ठीक है, पर कलर वाइज 2:1 रेशियो। ठीक है, टोटल 4:1 रेशियो। तो हम इसको फिंगर सीक्वेंस कैसे ऐड करेंगे? फिंगर सीक्वेंस भी ऐड करना यहाँ टेक्सेल में ही ऐड करना है हमें। तो फिंगर सीक्वेंस हम ऐसे ऐड करेंगे, 1, 2, 3 फिंगर हम ले लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखिए रिसाइज में अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप EPI और PPI देखिए। विड्थ वाइज मैंने 168 EPI लिया हूँ और पिक्स पर इंच 40 पिक्स पर इंच। ओके, तो अभी ऑटोमेटिकली क्या होगा, पिक्स पर इंच कितना हो जाएगा 2:1 रेशियो के हिसाब से, 2:1 रेशियो पर कलर। ओके, 40 पिक्स पर ग्राउंड एंड 40 पिक्स पर ब्लू प्लस ईयर जो ऑरेंज कलर है 20 पिक्स, 100 पिक्स क्वालिटी हो जाएगी, 100 पिक्स पर इंच हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं देखते हैं। पहले देखिए, अब पहला फिंगर मैं ऐड करूंगा। ओके, 1 मैं ऐड करूंगा राइट साइड, उसके बाद सेकंड नंबर, एक मिनट, जो कलर ऐड करना है वो राइट क्लिक में होना चाहिए, तब वो कलर आ जाएगी। ठीक है, अब ओके, 1 नंबर आ गया, 2 नंबर को मैं राइट क्लिक में ले लेता हूँ, फिर 2 नंबर, ठीक है, फिर 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर को मैं क्रैमिंग भी ऐड करूँगा। ओके, क्रैमिंग शुरू होता है 9 नंबर से, मैं ऐड करूँगा 9 नंबर यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैंने 1200 वुक्स मेरा डिज़ाइन वुक है और 4
तीन फिंगर और वन क्रैमिंग ऐड कर दी है। ठीक है, अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, सेव ट्रायल टू के नाम से सेव कर देते हैं, ट्रायल टू के नाम से सेव। अब हम जाएंगे व्यू एडिटर में, व्यू एडिटर में इसका व्यूज बनाएंगे रेशियो रेशियो में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डालूँगा, यहाँ पर फर्स्ट वेप्ट, सेकंड वेप्ट, थर्ड वेप्ट, उस हिसाब से मैं व्यू बनाऊँगा। चलिए व्यू एडिटर में, व्यू एडिटर, तो इसमें व्यू एडिटर में न्यू नो हम जाएंगे चेंज टेबल में। ठीक है, स्टेंट टेबल में वार्प मैंने एक ही लिया हूँ और वेप्ट हम तीन लिए हैं, तीन वेप्ट। ओके, तीन वेप्ट में रेशियो कैसे हैं देखिए, रेशियो एक चीज़ और ऐड करना है हमें यहाँ पर फिंगर में, तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर एंड तीन नंबर कलर। जब तीन नंबर हम ऑफ फिंगर चलाना है, मतलब रेशियो में चलाना है, तो हम इसको जीरो से कट करेंगे, मतलब ऑफ फिंगर चलना है तो हम यहाँ पर वन बाय वन कर देते हैं, मतलब ब्लू कलर फिंगर में जीरो जीरो, मतलब नो वेप्ट, वेप्ट नहीं चलेगी यहाँ पर। देखिए ये मैं प्रोडक्ट क्रिएटर में आपको फिंगर में दिखा दूँगा बाद में, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक मल्टीप्लाई टू एंड। ठीक है, देखिए लास्ट तक चला गया ये। ठीक है, अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, सेव कंट्रोल एस। देखिए यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, उसके बाद एक नंबर, दो नंबर, फिर उसके बाद एक दो तीन, मतलब एक दो के बाद एक तीन नंबर फिंगर, फिर एक दो, फिर एक दो के बाद फिर तीन नंबर। इसी स्टाइल से हम, इसी हिसाब से हम व्यू एडिटर में व्यू बनाएंगे। देखिए वार्प तो एक है हमारा, वेब में तीन है। ठीक है, ये वेब एडिट वेब सीक्वेंस, एडिट वेब सीक्वेंस में एक दो तीन, फिर एक, फिर दो, तीन नहीं है, तीन नंबर वेप्ट इसमें नहीं है। देखिए एक दो तीन, एक दो, फिर एक दो तीन, फिर एक दो, जो हमने सीक्वेंस दे रखा है टेक्सल में वही सीक्वेंस यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप वीव ऐड करिए, वीव आप बनाइए, कैसे क्या वीव बनाना है आप देखिए। पहले ग्राउंड का व्यू बना देते हैं, ग्राउंड में मैं फर्स्ट वेप ले लूँगा। ठीक है, फर्स्ट वेप मैं यहाँ पर एडिट फाइव थ्रेड सेटिंग करूँगा। जो भी आप बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं, वेब फेस सेटिंग बनाऊंगा। उसके बाद सेकंड वेब को मुझे फेस सेट दिखाना नहीं है, तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, पांच वेब सेटिंग को देखिए इसको जस्ट मैं रिवर्स करूंगा। ये दोनों सेम काउंट है। ठीक है, यहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हैं व्यू को, कैसे क्या करना है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वेब मेरा कोर्सर काउंट है, कोर्सर काउंट के लिए मैं ये व्यू नहीं डाल सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा लंबा व्यू डालूँगा, बड़ा व्यू, मतलब 10x10 का व्यू डाल दूँगा। ठीक है, 10x10 सेटिंग करूँगा।
ताकि आपको भी समझ में आ जाए कैसे भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाता है ना, फिर यहाँ, देखिए अब एक दो तीन, देखो 10 के साथ ही बना रहा हूँ मैं, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन। देखिए 10 का सेट मैंने बना दिया, लेकिन इसको मुझे फेस में नहीं दिखाना है, इसको बैक करना है, रिवर्स, इन्वर्ट, इन्वर्ट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वेव तो ओनली ऊपर आ रहा है और सेकंड और थर्ड वेव नीचे जा रहा है, फिर फर्स्ट वेव, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट वेव, तो ये वीव ये बन गया हमारा। उसके बाद आपको इस वीव को सेव करना है। देखिए इस रेशियो में है, पहले आप देखिए 1 2 3 फिर 1 2, ओके। इसको रेशियो में सेव करना, इस व्यू को पहले बेसिक व्यू सेव करना है आपको, इस सारे व्यू को एस 5, दिस इज आल्सो एस 5 आर, सारे व्यू को आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ये अपना यस 10, ओके। इसको सेव, पहले बेसिक वीव को सेव करना है, उसके बाद इसको सेव एज वीव्स फोल्डर है, कहाँ पर है ये, ठीक है, लाइब्रेरीज में वीव फोल्डर है, ये हम ग्राउंड लिख देते हैं इसमें, क्योंकि अपना जो डिजाइन के हिसाब से ग्राउंड का वीव हमने बना लिया, ठीक है, सेव। अब हम बनाएंगे आउटलाइन की व्यू, बनाएंगे आउटलाइन। आउटलाइन में हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों भी वैसे रहने देते हैं और इसको हम फ्लोट दिखा देते हैं, लंबा फ्लोट दिखा देते हैं, ताकि ये विजिबल हो जाए, सेम वेप्ट है बट हम इसको 20 का फ्लोट कर देते हैं, 20 का साटिंग बना दो इसमें, 20 का साट इन बना लो, 20x20 ग्राउंड में 5 के साट इन हो गए, इसमें 20 के साट इन बना। आपको मूव पता ही होगा साट इन का, कैसे मूव बनाते हैं, जब भी मूव बनाते हैं साट इन में 3 मूव या 5 मूव बनाते हैं, मतलब जब आपका जो वीव बेस का इसका जो है ये इवन नंबर होगा, तब 8 नंबर से मूव बनाते हैं, मूव होगा मैक्सिमम 8 नंबर का, आपको चेक करना होगा वी बनाने के बाद ना, वर्टिकल लाइन में सारे डॉट आना चाहिए, एक एक डॉट सारा वर्टिकल लाइन्स में, ठीक है। ये हमने बना दिया, आपको वी को बैलेंस करना होगा, वो तो बाद में करते हैं। फिर उसके बाद हम इस वी को भी हम सेव करेंगे, बेसिक वी को सेव करना जरूरी है, ठीक है, सेव एस, ये 2013 है, S20 सेव, उसके बाद हम इस वी पूरे वीव को सेव करेंगे, कंपाउंड वीव को। ये आउटलाइन है, आउटलाइन, आउटलाइन वीव है ये। उसके बाद हम करेंगे सेकंड वेब, ब्लू कलर का व्यू डाल देंगे, ब्लू कलर में हम 10 की साटिन डाल देते हैं इसमें, और फर्स्ट वेव और थर्ड वेव को हम फेस में नहीं दिखाएंगे, बैक में दिखाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें एडिट वीव,
साटिन। आप फिल भी डाल सकते हो, आपको जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। मैं सिंपली सिर्फ बता रहा हूँ कि साटिन भी डाल दे रहा हूँ, साटिन, टेन साटिन, टेन थ्रेड साटिन डाल देते हैं। थ्री मूव में, थ्री मूव, ठीक है। ये टेन थ्रेड साटिन है, इसको सेकंड वेब कॉम फेस में दिखाएंगे और इस फर्स्ट वेब को हम बैक में दिखाएंगे और थर्ड वेब को भी हम बैक में दिखाएंगे। पांच के साटिन डाल देते हैं इसमें, ठीक है, जैसा हमने पहले में डाला था उस वैसे। ठीक है, इसमें टू मूव डाल देते हैं और इसको इसको बैक में दिखाना है, फर्स्ट वेब को मेरे को फेस में नहीं दिखाना है, ठीक है। ये वी है कंपाउंड वेव। अब इसको हम सेव कर देते हैं, या हम एक काम करेंगे, जो वी हम सेव कर रहे हैं ना यहाँ पर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेव नहीं हो रहा है, ये दूसरे फोल्डर में सेव हो रहा है, वहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं। वीव्स में सेव हो रहा है ये, लाइब्रेरीज, जस्ट कनेक्ट। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, यहाँ पर शो नहीं दिखा रहा है वो जो हम सेव कर रहे हैं वो वीव्स। चलिए ये यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हम इस वीव को भी सेव एस आर कर देते हैं, एस फाइव आर कर देते हैं, ये ऑलरेडी है। और इसको एस टेन कर देते हैं, S10, ठीक है, ये ऑलरेडी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब इस व्यू को हम सेव एज कर देंगे, ये हमारा ब्लू कलर है, ब्लू कलर का व्यू है ये, ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। अब अपना थ्री व्यूज बन गए, मतलब तीन कलर का व्यू हमने बना लिया, एक ग्राउंड हो गया, एक आउटलाइन हो गया, एक ब्लू कलर की हो गई। अब रह गए ये वाली कलर जो ऑरेंज कलर है, जो ब्राउनिश ऑरेंज है, इस कलर का भी हम रेशियो में, रेशियो का भी वही है। देखिए यहाँ पर हम इसमें 20 के साटिन डाल देंगे, फ्लोट दिखाते हैं इस वी में, ठीक है। ये हम क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, जो फर्स्ट वीव और सेकंड वीव, सेकंड वेब को हम बैक कलर बैक में दिखा देंगे और इसको फेस में दिखा देंगे, ठीक है। इस वेब को हम फेस में दिखा देंगे, लेकिन इसको हम वीव 20x20 कर देते हैं, ठीक है। आप वो वीव बना दीजिए इसमें पांच मुंह का, एक दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, ऐसे पांच मुंह की वीव बना, पांच मुंह, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, पांच को तो डिवाइड नहीं होगा, तो सात का बना देते हैं, अनइवन करना पड़ेगा हमें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए सात मौका भी बना देते हैं, ऐसे लाइन से चलेगी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक सीक्वेंस अपना आप दिखाई देगा, आप चेक कर लीजिए, जो एक लाइन में आ रहा है दूसरे लाइन पे नहीं आ जाएगा, ऐसे ही होना, मतलब एक वेब एक पिक में एक डॉट, एक बार में एक डॉट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करिए एक लाइन में एक डॉट होगी या वार्प वाइज या वेब वाइज। ओके ओके सेव S20A। ठीक है सेव, अब इसको सेव एज करेंगे ऑरेंज ब्राउन। ऑरेंज ब्राउन कलर। ओके देखिए अब चार व्यू हमने बना ही लिया, अब हम इस डिज़ाइन में वीव्स को ऐड करना है, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा प्रोडक्ट क्रिएटर में। ठीक है, हमने टेक्सल में डिज़ाइन को एडिट किया और वेब ऐड कर लिया, वीव एडिटर में हमने वीव्स बना लिया रेशियो के हिसाब से। अब हम प्रोडक्ट क्रिएटर में तीनों चीज़ों को मिलाएंगे, मतलब एक डिज़ाइन एडिटेड फाइल को और वीव्स को और लूम फाइल को। ठीक है, न्यू न्यू में हम ब्राउज डिज़ाइन ब्राउज अपना डिज़ाइन नंबर है ट्रायल टू, चेक करिए ट्रायल टू। ठीक है ट्रायल टू प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर, प्रीव्यू ये डिज़ाइन है। ठीक है, यहाँ पर साइज़ दिखाई दे रहा है 1204 और 540, 1200 बुक्स का डिज़ाइन है, चार तो हम फिंगर के लिए ऐड किया हुआ है क्रैमिंग के लिए, और पिक 540। इसका पेपर साइज मतलब EPI और PPI 168 EPI एंड 40 पिक्स पर इंच। ओके ओके, सीक्वेंस में वार्प एक है हमारा, सीक्वेंस में वेप्ट 1 2 3 है, 3 वेप्ट्स है। ठीक है, और यहाँ पर लूम है, लूम फाइल, लूम फाइल को हम क्लिक करके जो पहले से बना हुआ है मेरे पास वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अप्लाई, अप्लाई के बाद हमें वार्प में तो सेम एज द स्केल सीक्वेंस वही रहने देते हैं, और वेब में हमने ऐड करा हुआ है राइट साइड फिंगर, चेक करिए ये राइट साइड में हमने ऐड करा हुआ है फिंगर, देख सकते हैं आप ये फिंगर है, तो हम इसलिए यहाँ पर टेकन फ्रॉम द डिज़ाइन ओके क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए वेप्ट आर फाउंड कहाँ पर है, वेप्ट आर एट द राइट साइड। ओके उसके बाद वेप्ट में हम ऐड करेंगे पहले एक एक वेप्ट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट वेप्ट और सेकंड वेप्ट और थर्ड वेप्ट। उसके बाद हम रेगुलेटर क्रैमिंग ऐड कर लेते हैं, ऑन ऑफ बटन को ऐड करना पड़ेगा हमें, तो इधर नंबर ऑफ डिज़ाइन कॉलम्स कितना, चार कॉलम है हमारा, तो एक क्रैमिंग के लिए है। ठीक है, तो हम सॉरी ये 3 नंबर है, उसके बाद हम इसको ऑन ऑफ फिंगर को ऐड कर देते हैं, माउस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर एक जो क्रैमिंग है एक नंबर पे जा रहा है, लेकिन हमें ऐड करना है
थ्री नंबर पे, ठीक है, ये थ्री नंबर वेब में क्रैमिंग चलेगी, इसका मतलब यह है। ओके, इसके बाद हम ओके कर देते हैं। इसमें आप चेक करिए सारा टूल्स एक्टिवेट है। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, पहले तो हम सेल वेज का वीप डाल देते हैं, रिब डाल देते हैं 4x4 की या 3x3 की, जो भी आपका पिक्स पर इंच के हिसाब से आपको सेल वेज का वीप डालना होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो हमने एडिट वीव एडिटर में जो वीव्स क्रिएट किया हुआ है वो वीव्स को हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम वीव्स में सेव कहाँ हुआ है वीव्स हमारा, वो चेक कर लेते हैं एक बार। सेव एज वीव्स में सेव हुआ है, वीव्स का मतलब ये कहाँ पर लोकेट है, फंक्शन में वीव्स में लाइब्रेरीज में सेव है, ठीक है, हम ये फंक्शन में लाइब्रेरीज में वीव्स में सेव है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले एक नंबर जो है ग्राउंड है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, जस्ट देखिए यहाँ पर मैंने वीव्स का लोकेशन चेंज कर दिया हूँ अभी, तो हम उस वीव्स को ले लेंगे, वो जो वीव्स है कांति डेस्कटॉप कांति में सेव किया हूँ। देखिए आपने जो वीव्स बनाया है ग्राउंड ब्लू और ग्राउंड ऑरेंज ब्राउन और आउटलाइन का वीव्स है, तो हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रैप कर देते हैं वीव्स को। देखिए जो वीव हमने बनाया है ग्राउंड का व्यू चेक कर लेते हैं। ग्राउंड का व्यू में हमने क्या बनाया, फर्स्ट वेब को हमने दिखाया, सेकंड और थर्ड वेब को बैक किया है, ठीक है, यहाँ पर वो जो व्यू आ गया ग्राउंड का। उसके बाद जो अपना सेकंड नंबर कलर कौन सा है चेक कर लीजिए, सेकंड तो ऑरेंज ब्राउन है, ठीक है, सेकंड नंबर को ऑरेंज ब्राउन व्यू डाल देते हैं, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन, ठीक है ऑरेंज ब्राउन, मतलब इसमें थर्ड वेब को हमने दिखाया, फर्स्ट और सेकंड को बैक कर दिया, और नेक्स्ट जो वीव है ब्लू कलर है, ब्लू कलर में हमने सेकंड वेब को दिखाया है, और चार नंबर कलर आउटलाइन है हमारा, आउटलाइन आ गया। फर्स्ट वेब को ही हमने फ्लोट बना दिया है, 20 का फ्लोट बना दिया है, 20 का साटिन, जो ग्राउंड में हमने 5 का साटिन डाल दिया, ठीक है, ऐसे व्यूज को कंपाउंड व्यूज को अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए कार्ड फाइल में रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश करके डिज़ाइन को छोटा करके देख लेते हैं कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं हम अपना, ठीक है, ये ऐसे डिज़ाइन बना रहा है, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम आया इसमें, यह सीक्वेंस नहीं ले रहा है। तो सीक्वेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम जाएंगे पहले तो कार्ड में, यहाँ पर सीक्वेंस को हमें ऐड करना पड़ेगा, ये तो आ गया सही है, और यहाँ पर जो सीक्वेंस है इसको हमने क्या करना है, पहले ग्राउंड का चेक कर लेते हैं। अभी हमने सीक्वेंस डिज़ाइन में भी दिया और व्यू में भी दिया है, ठीक है, तो हम अभी इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, आप चेक करिए ग्राउंड का व्यू को हमने कुछ चेंजेस करा है। ग्राउंड का मतलब वन नंबर कलर है। अभी भी सही नहीं आ रहा है, चेंज करना पड़ेगा सीक्वेंस ऑर्डर, एक मिनट, कुछ नहीं है इसमें,
थोड़ा सा सीक्वेंस में प्रॉब्लम था यहाँ पर, ये मैंने चेंज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। 1, 2, 3 और 3 नंबर क्रैमिंग है, और नंबर ऑफ डिजाइन कॉलम्स यूज फॉर 4, इसलिए 4 है, वो एक क्रैमिंग में है। ठीक है, अब हमने ये सीक्वेंस देखिए, ये जो कलर है सेकंड नंबर कलर है अपना, सेकंड नंबर कलर में हमने थर्ड वेव को शो करा है विथ 20 थ्रेड साटिन के साथ, और बाकी फर्स्ट फिंगर 2 पिक और सेकंड फिंगर 2 पिक डाउन जा रहा है, वेप्ट डाउन जा रहा है, मतलब वार्प फेस आ रहा है। तो ये जो वेप्ट है, कोर्सर काउंट है, ये ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हमने देखिए आउटलाइन का व्यू भी आ गया अलग से, ये ग्राउंड है, ये आउटलाइन है, ये ब्लू कलर का व्यू ये है, ब्लू कलर का व्यू ये है, और ये अपना ऑरेंज ब्राउन जो कर्सर काउंट वीव है। ठीक है, आप छोटा करके देख सकते हैं इसको, वीव सारा डिलीवरी है। इसके बाद हमने कंप्लीट कार्ड में चेक कर लेते हैं क्या इसका सीक्वेंस क्या बना रहा है। ठीक है, पहले इसका सीक्वेंस देखिए, वेब का सीक्वेंस, फिंगर का सीक्वेंस जो है यहाँ तक अपना सेलवेज है। ठीक है, इसके बाद से फर्स्ट फिंगर 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद 1, 2, फिर उसके बाद 1, 2, 3, फिर 1, 2, 1, 2, 3, जो अपना सीक्वेंस जो दे रखा है हमने एक्सेल में। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग से। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये क्रैमिंग है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, ऐसा है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, ये फिंगर है। अब क्रैमिंग ऐड नहीं हुआ है यहाँ पर, क्रैमिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ बटन में 3 नंबर को एस कर देंगे। 1, 2 नंबर पे क्रैमिंग नहीं है, सिर्फ 3 नंबर पे क्रैमिंग है, इसको अपडेट कर देते हैं। ये देखिए क्रैमिंग वो ये है यहाँ पर, ये जो जब तीसरा वेप्ट आ रहा है वहाँ पर क्रैमिंग चल रहा है, तीसरा वेप्ट में, ओनली तीसरा वेप्ट में हमने क्रैमिंग ऐड किया हुआ। आप दूसरे पे भी ऐड कर सकते हो या पहले पे भी। ठीक है, मैंने तीसरे नंबर पे ऐड करा हुआ, कंटिन्यू चल रहा है वो। ठीक है, और इसके बाद इस फाइल को हम सेव एज कर देते हैं, ट्रायल 2 का नाम से ही कर देते हैं। उसके बाद हम सिमुलेशन भी बना के देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। सिमुलेशन में हम वार्प वेप्ट को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो अपना कलर पैलेट वेयर इज कलर पैलेट, वेट जस्ट मिनट। देखिए कलर पैलेट है, इसमें हम वार्प वेप को कलर्स और डिनियर के हिसाब से हम ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पर सिंपल डिनियर क्या है, वार्प का डिनियर आपको पता होना ज़रूरी है। मेरा डिनियर जो है 50 डिनियर वार्प में है और 168 TPA है, इसका थिकनेस है कम है। ठीक है, थिकनेस बहुत ही कम रखूँगा वार्प को। ठीक है, और इसका जो कलर है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ या कॉफ़ी कर देता हूँ, ऐसे डार्क कलर कर देता हूँ, कोई ब्राउन सा कलर कर दे वार्प को। वार्प का तो फेस नहीं है, वार्प तो बहुत ही बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रखा हूँ मैं, सारा वेफ्ट फेस का डिज़ाइन है ये। ठीक है, और इसके बाद हम वेफ्ट में आ जाते हैं। वेफ्ट का फर्स्ट फिंगर है मेरा, ग्राउंड है, एक मिनट, ग्राउंड
यूज़ करूँगा सिंपल डिनियर है, डिनियर में यूज़ कर देते 400 डिनियर। थिकनेस मैं थोड़ा सा कम रखूँगा इसको, ठीक है। कलर जो है क्रीम कलर कर देते हैं इसको, ग्राउंड का जो कलर है मेरा क्रीम ऐसे ऐसा कलर है। इसको ओके कर देते हैं। और उसके बाद सेकंड फिंगर है, इसको भी मैं 400 डिनर ही रखूँगा सिंपल। और 400 डिनर जूट में है, 400 डिनर है। और थिकनेस इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 43। और इसको हम कलर करेंगे, ब्लू कलर ही रहने देते हैं, जो ब्लू है ऐसे ब्लू है तो ब्लू ही रहने देते हैं इसको। और जो तीसरा वेक्टर है मेरा, ये कोर्सर है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं कुछ ऐसे यान ले लेते हैं, जूट, या जूट नहीं है तो क्या करेंगे, लिनन कॉटन। डिनियर में ही हम बढ़ा देते हैं इसको डिनियर, तो 1800 डिनियर कर देते हैं सिंपल कर देते हैं। और इसका थिकनेस थोड़ा सा मोटा है बाकी यान से, इसलिए हमने रेशियो में बनाया है, थिकनेस ये है इसका, ठीक है। और इसमें शेनेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, शेनेल यान का, तो NM में कर देते हैं इसको। NM में हम करेंगे इसको 4 NM, 4 NM में। और इसका ठीक है 4 NM कर देते हैं इसको। और कलर में इसको हम ऑरेंज कलर कर देते हैं बाय यूजिंग RGB कलर सेटिंग। ऐसा कलर है हमारा, जो कलर आप चाहो वो कलर सेट कर लो, ठीक है। ओके ठीक है, ओके। द साइज, द कोर साइज नीड्स टू बी स्मॉलर देन एक्सपेंशन साइज, ओके, कोर साइज नीड्स टू बी स्मॉलर। ये बढ़ाना पड़ेगा हमें, ओके, कोर साइज टू बी स्मॉलर देन एक्सपेंशन साइज, ओके। अब इसको हम सिमुलेशन कर देते हैं। सिमुलेशन में ओरिजिनल फाइल, जितना ओरिजिनल फाइल है ना उतने का हम ले लेते हैं, 1200 400, जो भी 400 है। और सिमुलेशन में क्लिक कर देते हैं, सिमुलेशन में रिफ्रेश, अपडेट कर देते हैं इसको। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सिमुलेशन बन गया है, एक बार उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा कैसे सिमुलेशन दिखता है, थोड़ा सा कपड़े का आइडिया तो आ ही जाएगा। ये है सिमुलेशन अपना, ये अपना वो एडिटेड फाइल है, ठीक है। ये अपना सिमुलेशन है, ब्लू की जगह ब्लू आ गया, ऑरेंज की जगह ऑरेंज, और ग्राउंड की जगह ग्राउंड, आउटलाइन लाइट सा दिखेगा, ठीक है। ऐसे इस हिसाब से आप वी बना सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप वेब रेशियो के डिज़ाइंस बना सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट. एनी डाउट्स हो, एक कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पूछना है और कुछ जानना है तो भी कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.